इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो यूज़ करना बंद कर देने चाहिए या फिर आपको बैड फील कराना कि आप ये सब कुछ यूज़ करते हैं। इट्स ओके इफ़ यू आर कम्फर्टेबल यूजिंग दीज थिंग्स, यू कैन कीप ऑन, बट इट डज नॉट फिट माई लाइफ स्टाइल। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट एन इंस्पिरेशन। एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इस लिस्ट में नहीं है बट यू डोंट यूज़, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम यू गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो प्रोडक्ट्स जो मैं यूज नहीं करती हूँ, मैं परचेज नहीं करती हूँ। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज एक्सेसिव मेकअप प्रोडक्ट्स। फॉर मी व्हेन इट कम्स टू मेकअप, लेस इज ऑलवेज मोर। मुझे नेचुरल स्किन ज़्यादा पसंद है, आई प्रेफर गोइंग नेचुरल। मुझे वो प्लास्टिक सा और बहुत ज़्यादा लिपाई पुताई वाला चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो आई डोंट बाई अ लॉट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स लाइक फाउंडेशंस, कंसीलर्स, ब्ला ब्ला, मुझे बहुत सारे नाम भी नहीं पता है, बट वो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ। एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए ये सारी चीज़ें खरीदी थी बट उसके बाद मैंने उनको कभी यूज़ नहीं किया, वो सब ऐसे ही रखे रखे एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद से मैंने कभी उनको ख़रीदा नहीं है। अब मैं उन चीज़ों को ख़रीदना बंद कर चुकी हूँ। सेकेंड कैटेगरी विच आई डोंट बाय इज़ हेयर कलरिंग, हेयर डाइंग और हाइलाइटिंग सर्विसेज और नेल पेंट्स। मेरी जो हेयर्स हैं वो नेचुरल कलर और टेक्स्चर जो है वो मुझे पसंद है। इवन अभी तो मेरे हेयर्स ग्रे होना भी स्टार्ट हो चुके हैं बट स्टिल आई एम कम्फर्टेबल विद दोज ग्रे हेयर्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू डाई और कलर माई हेयर्स। सेकेंड जो नेल पेंट्स है, नेल पेंट्स मैंने एक बार परचेज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए बट इट डिडंट वर्क फॉर मी। मुझे ना तो वो लगाना आया, ये भी स्किल होती है आई थिंक कि अच्छे से नेल पेंट आपको लगाना आता है, एंड मुझे उसका लुक भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे जो नेल्स हैं उनको मैं ट्रिम करती रहती हूँ एंड देन कीप इट सिंपल। मुझे कोई पेंट करने की, उसको रिमूव करने की ज़्यादा झंझट नहीं करने पड़ते हैं, तो इट सेव्स मी टाइम एंड मनी ऑल्सो। थर्ड कैटेगरी विच आई डोंट बाय इज प्लास्टिक कंटेनर्स। इंस्टेड आई प्रेफर स्टील मेड कंटेनर्स और ग्लास जार्स फॉर स्टोरिंग फूड एंड थिंग्स। तो ग्लास जार्स तो आप परचेज कर सकते हैं और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लास जार्स में आते हैं, तो उनको मैं रीयूज कर लेती हूँ। प्लास्टिक के लंच बॉक्स भी मैं परचेज नहीं करती हूँ, इंस्टेड आई बाय स्टील लंच बॉक्स। वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इट्स इको फ्रेंडली ऑल्सो। मेरे जो स्कूल का लंच बॉक्स है वो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, इट्स बीन ईयर्स एंड ईयर्स, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ख़राब होने वाला है, शायद वो लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाला है मेरा लंच बॉक्स। फोर्थ कैटेगरी जो मैंने अभी परचेज करना बंद कर दिया, दैट इज़ स्पेशल ओकेजन क्लॉथ्स। मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स थे, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग लुक्स, अलग अलग स्टाइल्स, सब कुछ मुझे बहुत पसंद था। आई वॉज अ बिग फैन ऑफ ट्राइंग एवरी थिंग, एवरी स्टाइल, बट अभी मुझे लगता है कि जो स्पेशल ओकेजन चीज़ें हैं ना, दे आर नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग दैट टाइम एंड मनी, क्योंकि आपको कोई भी नई ड्रेस जब परचेज करनी होती है, दैट टू फॉर स्पेशल ओकेजन्स, तो आप उस ड्रेस को ही नहीं खरीदते हैं, आपको एक पूरा कंप्लीट लुक परचेज करना होता है। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि आपको उसके साथ कौन सी एसेसरीज परचेज करनी है, कैसे उस ड्रेस को स्टाइल करना है, और उसके बाद एक बार पहनने के बाद वो आपके पास रखी रहती है, आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, और रिपीट भी करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। एवरी टाइम यू वेयर दैट ड्रेस उसको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी है साथ में, उसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना तो आप ऑफिस में पहन सकते हैं उसको, ना ही आप घर पे पहन सकते हैं, वो बस रखे रहते हैं, और ट्रेंड्स इतने जल्दी चेंज होते हैं कि विद इन फ्यू मंथ्स वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ फैशन भी हो जाते हैं। तो इट्स समथिंग विच आई फील नाउ कि इट्स टोटल वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू क्रिएट दोज लुक्स। नाउ इंस्टेड ऑफ बाइंग अ लॉट ऑफ स्पेशल ओकेजन क्लॉथ्स, आई प्रेफर सम क्लासिक पीसेस, एंड वो ऐसे टाइमलेस पीस होते हैं जो ना तो आउट ऑफ फैशन होते हैं, एंड आई प्रेफर रिपीटिंग देम। रिपीट करने से बेनिफिट क्या होता है कि आपने एक बार एक लुक क्रिएट कर लिया तो आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने एक बार कर ली, उसके बाद आप जितनी बार भी रिपीट करते हैं ना उस आउटफिट को, आपको दोबारा से सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इसके साथ क्या पहनना है या कैसे इसको स्टाइल करना है। सो इट बिकम्स ईजी एवरी टाइम यू वियर दैट ड्रेस, तो आपको टाइम सेव करता है, और जितना एक
आइटम को आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे आपकी जो कॉस्ट पर यूज़ जो है वो कम हो जाती है। फिफ्थ कैटेगरी इज़ अनकम्फर्टेबल फुटवेयर एंड हाई हील्स। मैंने बहुत पहने हैं हाई हील्स, आई वॉज क्रेजी अबाउट दैम, मुझे बहुत अच्छा लगता था द वे आई लुक्ड आफ्टर वेयरिंग हाई हील्स, बट नाउ इट्स अ कम्प्लीट नो नो फॉर मी। नाउ आई प्रेफर कम्फर्ट ओवर लुक्स। तो मुझे फुटवेयर की जब बात आती है तो मुझे कम्फर्टेबल फुटवेयर चाहिए हैं, मुझे नहीं चाहिए कि मैं हाई हील्स पहनूं और उसके बाद मेरा पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सिक्स्थ कैटेगरी इज़ जिम मेंबरशिप। मैंने जिम मेंबरशिप कभी नहीं ली है, ना मैंने कभी ट्राई किया है, ना ही जिम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या मशीन्स हैं वो मैंने घर पे परचेज करके रखी हैं। इंस्टेड आई प्रेफर द नेचुरल वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग लाइक गोइंग आउट फॉर वॉक, रनिंग और डूइंग योगा। योगा इज़ माई फेवरेट काइंड ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट फॉर योर बॉडी, इट ऑल्सो हेल्प्स एलिवेट योर मेंटल हेल्थ। सेवन्थ कैटेगरी विच आई डोंट बाय इज़ होम डेकोर आइटम्स। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने घर को डेकोरेट करना, ये सुंदर लगना चाहिए, बट नाउ आई प्रेफर फंक्शनैलिटी ओवर लुक्स। तो जो घर में जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीद के लेके आते हैं कि वो सुंदर लग रहे हैं, मैंने क्या देखा है कि जो प्रोडक्ट्स आप खरीद के ले आते हैं आपको बहुत क्यूट या बहुत सुंदर लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर का लुक चेंज हो जाएगा इससे। आपने उस प्रोडक्ट को लाए और उसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो विद इन फ्यू डेज इट जस्ट ब्लेंड्स इन द बैकग्राउंड। जैसा घर आपका पहले था वैसा ही अब फील होता है आपको। कुछ दिन के बाद आप उस चीज़ को नोटिस करना भी भूल जाते हैं। इवन आप वहाँ से अगर दिन में 10 बार चक्कर लगा रहे हैं ना, तो आई थिंक हार्डली वी नोटिस दोज थिंग्स विच आर ओवर देयर। और कोई नयापन उनमें नहीं रहता है, 10 दिन के बाद वो सब कुछ वैसा ही पुराना हो जाता है, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वही वैसे ही वो नए प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो वो एक्साइटमेंट इनिशियली जो हमें फील होती है किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, खरीदने के बाद वो टोटली वैनिश हो जाती है। दूसरा, आप खरीदने में पैसा तो खर्च करते ही हैं, साथ में आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। अब आपके पास एक और चीज़ ऐड हो जाती है जब भी कोई आप नया होम डेकोर का प्रोडक्ट लेके आते हैं, जिसकी आपको केयर करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। सो आई थिंक इट्स अ टोटल नो फॉर मी। इंस्टेड आई प्रेफर प्लांट्स। मुझे अपने किसी भी स्पेस को अगर ब्राइटन अप करना है, आई डेकोरेट विद प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो आपके घर को डेकोरेट करने के भी काम आते हैं, उसके साथ वो आपके एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करते हैं। दे आर लिविंग बींग्स, दे कीप्स ऑन ग्रोइंग। तो वो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, साथ में उनका शेप, कलर एंड साइज चेंज होता रहता है, तो नयापन भी आपको फील होता रहता है। सो आई प्रेफर प्लांट्स ओवर होम डेकोर आइटम्स विच आर टोटली नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे जस्ट अकोमोडेट डस्ट। एट थिंग इज आई हैव नेवर यूज्ड कारपेट्स। कारपेट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कोल्डर क्लाइमेट्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए यूजफुल है। इससे एक मुझे स्टोरी याद आती है कि एक राजा था जो बाहर निकलता है तो उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। अब वो आकर ऐलान करता है कि पूरे नगर में कारपेट बिछा दिए जाएं क्योंकि मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। अब सब लोगों को लगता है कि राजा जहाँ जहाँ जाएगा सब जगह तो कारपेट नहीं बिछाया जाता, तो एक इंसान को आइडिया आता है, वो जाकर अपने राजा को कहता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जो आपके पैरों पर फिट हो जाए, तो आप जहाँ भी जाएंगे आपके पैर सेफ रहेंगे, एंड दैट वॉज अ बेटर आइडिया। तो सेम वी कैन यूज एट आवर होम ऑल्सो। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कारपेट आई डू प्रेफर वेयरिंग कम्फर्टेबल सॉक्स एंड इनडोर फुटवेयर्स। तो उससे विंटर्स में मैं कोजी एंड कम्फर्टेबल फील करती हूँ। एडिशनली वो कारपेट जो है वो डेली तो वॉश नहीं हो सकता है, उस पर बहुत धूल भी एकोमुलेट हो जाती है, डस्ट एकोमुलेट होती है, उसको क्लीन करना इज नॉट दैट ईजी, तो उसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी ज़्यादा है और कॉस्ट वाइज तो वो हाई है ही। एंड विंटर्स के साथ समर्स में तो हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि हमें कारपेट की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। इवन आई प्रेफर वॉकिंग बेयर फुट इन समर्स, जो फर्श पे मेरे पैर टच होते हैं, ठंडा फील होता है, मुझे अच्छा लगता है। उस टाइम पर घर पे कारपेट की वैसे ही ज़रूरत नहीं होती है गर्मियों के दिनों में। तो कारपेट इज़ अ बिग नो फॉर माई हाउस। तो मुझे पसंद नहीं है, इट सेव्स मी मनी एंड इट इज़ मोर फंक्शनल टू नॉट हैव अ कारपेट इन माई हाउस। नाइन्थ कैटेगरी इज एल्यूमिनियम फॉइल्स और पैकिंग पेपर्स। आई डोंट लाइक टू पैक फूड इन एल्यूमिनियम फॉइल्स बिकॉज जितना आप अपने फूड को अगर रेगुलर बेस पे एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। सो इंस्टेड आई यूज़
क्लोथ नैपकिन्स, क्लोथ नैपकिन्स को आप बार बार वॉश करके रीयूज कर सकते हैं, तो ये दिस इज अ मोर इको फ्रेंडली वे। टेंथ कैटेगरी इज आई डोंट यूज प्लास्टिक बकेट्स, इंस्टेड आई प्रेफर यूजिंग स्टील और एल्युमिनियम बकेट्स। स्टील एंड एल्युमिनियम बकेट्स एक बार थोड़ी सी कॉस्टली आती हैं, बट उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण, लाइफ ज़्यादा होने के कारण वो आपको ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ती हैं, जल्दी से टूटती नहीं है तो बार बार आपको परचेज नहीं करना पड़ता है, एंड उसमें डैमेज भी होती है, देन दे हैव अ रीसेल वैल्यू, दे आर अगेन सस्टेनेबल ऑल्सो। 11th कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लेटेस्ट एंड अपडेटेड वर्जन। मुझे बार बार अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लाइक फोन एंड अदर थिंग्स इन माई हाउस, उनको अपडेट करना पसंद नहीं है। आई प्रेफर एंड यूज देम टिल द एंड, जब तक कि वो चलते रहेंगे आई विल कीप ऑन यूजिंग देम। अब कंपनीज को तो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करेंगी तो उनकी सेल कैसे बढ़ेगी, तो वो तो कॉम्पिटिशन में एक दूसरे के साथ नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। बट इफ़ यू कीप ऑन बाइंग एवरी न्यू प्रोडक्ट्स विच इज लॉन्च्ड इन द मार्केट, देन यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। 12th कैटेगरी इज ब्लैंकेट्स, विच आई डोंट बाय। ब्लैंकेट्स मैं बिल्कुल परचेज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कारपेट की तरह इस पर भी फर होने के कारण बहुत सारी धूल अकुमुलेट हो जाती है, डस्ट के साथ साथ इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जम्स हो जाते हैं, तो आई प्रेफर क्विल्ट्स, क्विल्ट का कवर लगा दो और उसको फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहो तो ये क्लीन रहती है, एंड ये ज़्यादा इको फ्रेंडली भी है, और आपको बार बार इसको ड्राई क्लीन नहीं कराना पड़ता तो इकोनॉमिक भी रहती है, और आई फील कि क्विल्ट इज़ मोर कोजी देन द ब्लैंकेट, सो आई डोंट यूज़ ब्लैंकेट एंड आई डोंट बाय ब्लैंकेट्स। 13 इज़ स्पेशल ओकेजन किचन यूटेंसिल्स, आई डोंट बाय स्पेशल ओकेजन किचन यूटेंसिल्स। मैंने देखा है लोगों के घर में मल्टीपल सेट ऑफ डिनर सेट्स, मल्टीपल टी कप्स, मल्टीपल मग्स ऐसे भरा पड़ा होता है किचन, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे घर में वो एक ही सेट होता है जिसको मैं डेली यूज़ पे अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर रही हूँ, या गेस्ट आते हैं तो तब भी हम वही चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर मी एवरी डे इज़ अ स्पेशल डे, सो आई डोंट वेट फॉर अ स्पेशल ओकेजन टू यूज़ समथिंग स्पेशल इन माई लाइफ। तो जो भी चीज़ें हैं अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वही चीज़ें हमारे गेस्ट भी यूज़ करते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए कि अच्छा कोई गेस्ट आएगा और उसके लिए मुझे बहुत बढ़िया सा डिनर सेट रखना चाहिए या टी सेट रखना चाहिए। नो, मेरी किचन में इतने ही प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। उससे मुझे ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट इन अ रेस ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ क्रॉकरी इन माई हाउस। आई प्रेफर सस्टेनेबल एंड मिनिमल थिंग्स विच सिंप्लीफाइज माई लाइफ, विच सेव्स मी मनी एंड विच सेव्स मी टाइम टू मेंटेन दोज थिंग्स। 14th कैटेगरी इज जंक ज्वेलरी। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि पहले मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक्स ट्राई करती थी, तो लुक्स के साथ अलग अलग तरह की ज्वेलरी भी ऑब्वियसली पहनती थी, बट अभी मैंने अपने कपड़ों को भी मिनिमाइज कर लिया है, साथ में ज्वेलरी भी मैंने जंक ज्वेलरी परचेज करना बंद कर दिया है। इससे पैसे भी बचते हैं और डेली सुबह रेडी होने से पहले मुझे नहीं सोचना पड़ता कि मुझे क्या पहनना है। आई हैव दैट कैप्सूल वार्डरोब और उसमें से जो भी पीसेस हैं वो मैं पहन लेती हूँ, एंड इट सेव्स मी टाइम ऑल्सो, सो नो मोर जंक ज्वेलरी। घर में डेकोरेट करने के लिए मुझे बहुत पसंद है, बट अब मैं फ्लावर्स को परचेज नहीं करती हूँ घर को, फिर भी मैं फ्लावर्स से डेकोरेट करती हूँ, एंड आई यूज़ दोज फ्लावर्स विच आई ग्रो ऑल बाय माई सेल्फ। तो मैंने फ्लावर्स के प्लांट्स लगाए हैं और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है कि ये मेरे खुद के ग्रो किए हुए फ्लावर्स हैं जिससे मैं अपने घर को डेकोरेट कर रही हूँ, तो उससे जो मुझे खुशी मिलती है वो मार्केट से परचेज किए हुए फ्लावर्स से कभी नहीं मिल सकती है। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग दोज फ्लावर्स अगेन एंड अगेन, आई थॉट ऑफ बाइंग प्लांट्स एंड नाउ आई हैव माई ओन फ्लावर्स। 16th कैटेगरी इज एल्कोहलिक ड्रिंक विच वी नेवर बाय। हम ना तो खुद कभी कंज्यूम करते हैं और ना ही हमारे घर पे जो गेस्ट आते हैं उनको हमने कभी ऑफर किया है, चाहे कोई कितना भी स्पेशल ओकेजन हो फिर भी नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इसे क्यों कंज्यूम करते हैं। जितना मुझे पता है देयर आर टू रीजंस, या तो लोग सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो सेलिब्रेशन अगर है तो वाई टू गो फॉर दिस एल्कोहल ओनली। आपके पास एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। दूसरा, लोग जब शायद टेंशन में होते हैं या दुखी होते हैं तो वो ड्रिंक्स का, एल्कोहल का सहारा लेते हैं। वहाँ भी मुझे लगता है कि
शायद आपने कभी योग निद्रा ट्राई नहीं किया। एक बार योग निद्रा अगर ट्राई कर लेंगे तो अल्कोहल की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट रिलैक्सेस योर सेंसेस, इट रिलैक्सेस योर बॉडी, इट रिलैक्सेस योर सोल। आपको टोटल रिलैक्सेशन मिल जाता है स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, किसी भी तरह के टेंशन से आपको रिलैक्स ये कर देती है योग निद्रा। तो इट्स टोटली फ्री एंड इट हैज़ ऑल द बेनिफिट्स फॉर यू, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अल्कोहल कंज्यूम करना मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों करते हैं, एंड नाउ डेज तो इट हैज़ बिकम मोर ऑफ ट्रेंड। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं परचेज या बाय नहीं करती हूँ, वो किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए इसको यहीं कट शॉर्ट करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।